बिजावर में 10 दिन से आमरण अनशन पर बैठी आप पार्टी की पार्षद दिव्या अहिरवार की तबीयत बिगड़ी। छतरपुर जिले के बिजावर नगर परिषद में मनमानी और तानाशाही सहित जन समस्याओं को लेकर अनशन जारी है। पार्षद की मांग है कि संपत्ति कर में हुई वृद्धि वापस ली जाए, क्योंकि नगर परिषद ने जल कर में 60 रुपये से सीधे 216 रुपये कर दिए हैं, जो कि 360% की वृद्धि की है। बिजावर जैसे प्राकृतिक सुंदर नगर को कचरा घर बनाने से रोका जाए, कचरा निमित स्थान पर डिस्पोज करें और फौती नामांतरण हो या कोई भी काम हो, परिषद के कर्मचारियों पर खुलेआम घूस मांगने के आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी की पार्षद कुमारी दिव्या अहिरवार द्वारा किए जा रहा आमरण अनशन 10वें दिन भी जारी रहा। नगर परिषद कार्यालय के सामने 5 अप्रैल से आमरण अनशन पर बैठी दिव्या अहिरवार, अभी तक किसी भी आला अधिकारियों ने अनशन खत्म करवाने की पहल नहीं की, जबकि पार्षद की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। राज इंडिया 18 के लिए संभाग ब्यूरो अरविंद वर्मा छतरपुर। ये पिछले 10 दिन से आमरण अनशन पर बैठी थी। आज इनका स्वास्थ्य काफ़ी तेज़ी से ख़राब हुआ, जिस कारण इन्हें बिजावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया, पर वहाँ पर डॉक्टर जो आशीष चौरसिया जी हैं, उन्होंने इनकी हालात को गंभीर बताते हुए यहाँ जिला अस्पताल रेफ़र किया गया, जिसके तहत इन्हें यहाँ भर्ती किया गया है। और देखिए कितने शर्म की बात है कि ये सबसे कम उम्र की पार्षद हैं मध्य प्रदेश की, और एक दलित महिला पार्षद हैं, और इनके द्वारा छोटी सी मांग है, नाली को, गली को साफ, नगर को साफ करने की मांग उठाई जा रही थी, जो हमारे बात प्रधानमंत्री जी स्वच्छता अभियान की बात कहते हैं। और साथ ही में बिजावर में जलकर में वृद्धि की गई है, 60 रुपये से सीधे 216 रुपये, यानी कि 360% की वृद्धि। पानी जैसे जरूरी विषय पर भाजपा की वहाँ नगर परिषद लूट मचा रखी है, और उसके खिलाफ इन्होंने कई बार ज्ञापन दिए, और लेकिन इस पर उनकी सुनवाई नहीं हुई और इन्हें आमरण अनशन जैसा कदम उठाना पड़ा। पर आप देखिए कि कितनी बड़ी विडंबना है कि ये भाजपा जो दलित के सम्मान की बात करती है, अंबेडकर जी के सम्मान की बात करती है, पर चूंकि ये दलित महिला हैं इसीलिए इनका 10 दिन से आमरण अनशन पे हैं, और भाजपा की वहाँ प्रशासन जो सरकार है और प्रशासन है उनके द्वारा एक दिन भी इनका स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया गया, जिसकी परिणति है आज ये जिंदगी और मौत की लड़ाई यहाँ लड़ रही है। इनके पिता नहीं है, माँ का रो रो के हाल बेहाल है, और यदि इन्हें कुछ भी होता है तो भारतीय जनता पार्टी का दलित विरोधी चेहरा जो है, जिसके वो बड़ी बड़ी बात करती है दलितों के सम्मान की, आज अम्बेडकर जयंती के दिन उनका सच उजागर हुआ है। इस सच को प्रदेश की हर एक नागरिक तक आम आदमी पार्टी ले जाएगी और उनके चेहरे को उजागर करेगी। आपके एक शहर से एक खबर जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंच सकती है, मगर बस एक शेर जरूरी है। हम लगातार सच दिखाते आ रहे हैं, क्योंकि हम मिर्च मसाला नहीं, सच दिखाने का प्रयास करते हैं। राज इंडिया 18 लगातार लोकप्रिय होता है क्योंकि आपका विश्वास हमें लोकप्रिय बना रहा है, और हम आपके विश्वास को इसी तरह बनाए रखने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।